खूबसूरत टोकरी, पेन होल्डर, मेज, कुर्सी और लकड़ी से बना ये तमाम सामान आदिवासी महिलाओं के हुनर का नमूना है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बांस से ऐसे आकर्षक सामान बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यहाँ हस्तशिल्प मेले में ऐसे ही सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो बांसवाड़ा के अंदर, मेरे को लग रहा है शायद पहली बार इनोवेशन हुआ है। पहले ये सारा सामान आसाम से परचेज होकर के आता था, अब ये बांसवाड़ा में गरीब महिलाएं जो राजीविका के तहत काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उन्होंने इसे एक माह के अंदर ये सब सामान को बनाया हुआ है। जिले में सबसे पहले 40 ग्रामीण महिलाओं को बांस से सामान बनाने का एक महीने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए असम से ट्रेनर बुलाए गए थे। अब ये महिलाएं बांस से सामान बनाने में माहिर हो चुकी हैं और आज तरह तरह के सामान बनाकर बाजार में बेच रही हैं। अब ये आगे इसको आजीविका का एक मेन रोजगार का एक काम ये कर रही हैं और बांस के प्रोडक्ट बनाएंगी और इसे हम यहीं मार्केट लिंकेज भी हमने करा दिया है। ट्राई फेड इस सामान को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है और इनकी प्राइस से ज्यादा वो उसे खरीदने में, उसके रेट देने में विचार कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये शुरुआती प्रयोग फिलहाल कामयाब होता दिख रहा है। ऐसे में न केवल इसे विस्तार देने बल्कि इन खूबसूरत साजो सामान को सही कीमत दिलाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।